प्रश्न आया है, बड़ा वाजिब प्रश्न है और बहुत ही बुद्धिजीवी, कह सकता हूं कि दो तीन बुद्धिजीवी लोगों की तरफ से आया है। कहते हैं कि आपकी हर बात पाली पे आकर रुकती है, पहली बात तो यह है, और दूसरा यह है कि आप ने जितने भी फेस्टिवल बताए हैं Team 22 की वीडियोस में, लगभग सारे ही भारत के फेस्टिवल कुछ को छोड़कर, वो सभी मूल निवासियों के फेस्टिवल आपने, यानी जो उत्सव हैं, जो उत्सव के या जो जिसको त्यौहार बोलते हैं या फेस्टिवल बोलते हैं, वो सारे के सारे ही आपने ये सिद्ध कर दिए कि वो पाली से बने हुए हैं और भारत के मूल निवासियों के हैं। कुछ मुझे उनका एतराज़ सा लगा और यहाँ ये जवाब देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वीडियोस काफ़ी लोग देख रहे हैं और आगे शेयर भी कर रहे हैं, तो कोई संशय ना रहे, कोई भ्रम ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर भ्रम है तो उसको दूर होना चाहिए। कोई भी आक्रांता या कोई भी इन्वेडर या कोई भी लड़ाका या कोई भी योद्धा, या जब भारत के लोग भी अगर कहीं युद्ध करने जाएंगे, या भारत में जो लोग युद्ध करने के लिए आए और यहाँ आके रहे या बसे, ये एक ध्यान देने वाली, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब आदमी युद्ध करने जाता है तो अपने साथ में अपनी स्त्रियाँ लेके नहीं जाता, ये बात सब जानते हैं। तो दूसरी बात ये भी सत्य है कि कोई भी युद्ध करने वाला अपने साथ अपने फेस्टिवल लेकर नहीं जाता। फेस्टिवल हमेशा, त्यौहार या उत्सव हमेशा बहुत सालों में विकसित होते हैं और वहीं विकसित होते हैं जहां लोग रहते हैं, यानी लोगों का जो समूह जहां रहता है उसका कोई ना कोई कारण है। जैसे भारत में जितने भी फेस्टिवल हैं वो मोस्टली कृषि प्रधान हैं, या तो फसल बोई जा रही है, या फसल कट रही है, या फसल पक रही है, या फसल आने वाली है, या फसल आ चुकी है। सारे जितने भी फेस्टिवल हैं वो लगभग फार्मिंग के ऊपर, किसानों के ऊपर, खेती के ऊपर बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ के सारे लोग खेतीय थे। खेतिया का बाद में आधा के और ख को छः बनाया गया तो क्षेत्रीय बोला गया, तो जितने फार्मर हैं, खेतीय लोग हैं, उन सब के फेस्टिवल हैं। और वो लोग तो बाहर गए नहीं इंडिया से, बाहर के लोग यहाँ आए तो आने के बाद में यहीं के फेस्टिवलों को उन्होंने या तो अपना नाम दिया, या उस पर अपनी मोहर लगाई, या उसमें वो शामिल हो गए, या उसको थोड़ा सा चेंज किया, या उसमें कुछ अपना मिक्स किया, या उसका थोड़ा सा हिस्सा भुला दिया, कुछ भी किया, मगर फेस्टिवल यहीं के हैं। फेस्टिवल कभी बाहर के नहीं होते। भारत के लोग जब युद्ध करने जाएंगे, और सपोज अगर वो कल को अमेरिका पे कब्जा कर लें, तो अमेरिका में जो ईस्टर बनता है, या अमेरिका में जो गुड फ्राइडे बनता है, या अमेरिका में जो क्रिसमस बनता है, क्योंकि अधिकतर जनसंख्या लोग तो अमेरिकन लोग ही रहेगी, भारत के लोग तो मुट्ठी भर जाएंगे, पूरा भारत उठ के तो जाएगा नहीं अमेरिका पे कब्जा करने के लिए या लड़ने के लिए। तो वहाँ अगर भारत ने रूल भी कर लिया तो जो ईस्टर है, जो क्रिश्चन है, वहाँ के लोग तो मनाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि वहाँ शासक अगर भारत हो जाए और वो कहे कि अब जो क्रिसमस बनेगा उसमें पटाखे भी छूटेंगे, या अब जो ईस्टर बनेगा उसमें हलवा पूड़ी भी चलेगा, या अब जो क्या बोलते हैं गुड फ्राइडे बनेगा तो उसके अंदर रंग खिला जाएगा, ये हो सकता है चेंज, मगर वहाँ का मूल फेस्टिवल नहीं होगा। तो इसलिए फेस्टिवल मूल पाली के अंदर छुपे हुए हैं। जब हम वीडियोस बनाते हैं तो इस वीडियोस की बाकायदा बहुत सारा अनुसंधान करने के बाद बनाते हैं, और पाली क्या बोल रही है हम वो बताते हैं, हम क्या बोल रहे हैं हम ये नहीं बताते। बेसिकली हमारे पास में और कोई भाषा है भी नहीं। हिंदी जितनी भी भाषा है, हिंदी का तो शब्द भी बहुत बाद में आया है, तो हिंदी को ही पाली है। भारत की जितनी भाषाएँ हैं वो पाली हैं। वो पाली किस लिए हैं और क्यों हैं? क्योंकि एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति का हमारे पास में फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि जी पाली तो मगध के थोड़े से एरिया में थी, इसको मगधी बुला करते थे। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पाली बहुत छोटे से हिस्से में थी, इसका पुराना नाम मगधी था, और उससे भी इसका पुराना नाम था जो राजा प्रसन्नजीत के नाम से थी, उसके नाम से ये बोली जाती थी। तो जो मगधी है, यानी मगध की है, और मगध से पहले जो उसका जो पूरा क्षेत्र है वहाँ के ये नाम से जानी जाती है, मगर बाद में अशोक के समय में तो ये ईरान तक चली गई, उधर बर्मा तक चली गई। तो आप ये सोचिए कि जब राजा की भाषा, जब राजा आता है तो वो अपनी भाषा का भी विस्तार करता है, और ये पूरे भारत में फैल गई। जैसे इंग्लिश जो लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, जब वो पूरी दुनिया में आए तो उन्होंने अंग्रेजी फैला दी। जैसे अरब लोग भारत में आए और भारत में आकर उन्होंने राज किया तो यहाँ अरबी फैला दी,
अरबी की बाद में उर्दू बनी। उर्दू और पाली लगभग मिक्स हैं, पाली को और अरबी को मिक्स करके उर्दू बनाया गया जो यहाँ की भाषा है। तो इसलिए जो टोटल जो भाषा है वो पाली ही है और हिंदी अधिकतर पाली है। हिंदी में कुछ वर्ड इंग्लिश के हैं, कुछ वर्ड अरबी के हैं, कुछ वर्ड कहीं और के भी हैं, मगर मूल जो है इसका और जो पैटर्न इसका चलता है वो पाली पे चलता है, क्योंकि पाली प्राकृतिक भाषा थी। इसलिए कोई भी जानकार, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कभी भी भाषा को खोलेगा या देखेगा या खोदेगा या जो वो खुद भी बोल रहा है, तो वो लास्ट में जानेगा कि ये पाली ही है। थोड़े थोड़े चेंज किए हुए हैं, वो चेंज हम समय समय पर बताते रहते हैं, आप देखते रहते हैं, प्रश्न आपके आते रहते हैं, जवाब हम देते रहते हैं। इसलिए फेस्टिवल सारे भारत के हैं, कुछ फेस्टिवल को छोड़ के, जैसे अक्रांता अपने साथ लेके आए, जो अरबी लोग लेके आए, वो जो मुस्लिम फेस्टिवल हैं वो भारत के नहीं हैं, उनकी छाप अलग है, उनकी बात अलग है, वो यरूशलम से चलते हैं, इसराइल से चलते हैं, वो यहाँ के भी नहीं हैं, इसलिए उनके फेस्टिवल वहाँ से चलते हैं। जो क्रिश्चियंस के फेस्टिवल हैं वो वहाँ से चलते हैं। कुछ फेस्टिवल बाद में डेवलप हुए हैं पाली के बाद में, जैसे सिख जो हैं, सिखिज्म के जो फेस्टिवल हैं, गुरु नानक के हैं या कबीर की छुट्टी हो, प्रचारक हुए हैं उनकी होती है, वो बाद के हैं। तो इसलिए ये चलते रहते हैं, इसका कहीं कोई ना ही बुरा मानना चाहिए ना ही इसका अच्छा मानना चाहिए। हाँ, तर्क पे जरूर कसना चाहिए और तर्क पे कस के देखिए कि फेस्टिवल कौन से यहाँ के हैं और कौन से फेस्टिवल बाहर के हैं। आपके फेस्टिवल अगर आपको वापस मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको लगता है कि आपको नहीं चाहिए तो मत लीजिए, अच्छी बात है। आपको लगता है कि ये मत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ लोगों को ये मत अच्छा लगता है तो उनके लिए ठीक है। हमारा मकसद जानकारी देने का है, हम जानकारी देते हैं, आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपके ऊपर है। हम सभी के वेलविशर हैं, सबका मंगल हो। ये जो टीम 20 चैनल है, ये जानकारी बिल्कुल समानता के साथ में, एक रूप के साथ में सबको देता है। धन्यवाद।